गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने और हम लोग रेडी हो गए हैं। और ये रहा आज का मेरा लुक। लग रहे हैं ना हम स्मार्ट। उसमें क्या है ना, किसी की गलती नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मेरे जैसे लोग, वो पैदाइश ही स्मार्ट होते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना, कितना वो मेकअप कर लेकिन वो स्मार्ट नहीं लगते हैं। 25 मिनट ट्रेवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए पूजा पंडाल। और पंडाल में जाकर देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना सुंदर भाई, ऐसे कैसे। तो ये वाइट वाइट फॉर्म का बना हुआ था और उसमें हल्का पिंक रेड लगा हुआ था। इतना अच्छा लग रहा है, ये जो वाइट वाइट दिखे सारे फॉर्म है। और अब पहुंच गए माता जी के पास। और माता जी से हमने आशीर्वाद में मांगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर और बढ़े और हमको लाइक मिले, सब लोग पसंद करें, हमको प्यार दे सारे लोग। तो माता रानी ने तो हमको आशीर्वाद दे दिया। अब आप लोग भी हमको लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमको आशीर्वाद दे दीजिए और ऐसे ही प्यार दीजिए ताकि हम आगे चलकर और भी सुंदर सुंदर वीडियोज़ आप लोग के पास लाएँ। और हम अपनी पूरी फैमिली के साथ गए थे तो फ़ोटो क्लिक करा वहाँ पर। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो लाइट लगे हुए थे और बलून और सिंड्रेला रियोन तो रोने लगे भाई। और इसी के पास साथ पहुँच गए हम लोग दूसरे लोकेशन पे, जहाँ की बालाजी की मूर्ति बनी हुई थी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा समुद्र मंथन हो रहा था, फिर से वराह जी, ये देखिए ये। तो जितना सुंदर पहले वाला पंडाल था, दूसरा पंडाल भी वैसे ही था, इतना सुंदर बना हुआ था। और यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान जी डांस कर रहे हैं और राम जी रावण को मार रहे हैं। और फिर गुफा पार करने के बाद हम लोग माता जी के दर्शन किए और माता जी के पास पहुँच गए हम लोग। और अरियोन आरियोन ने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। भाई बहन भी थे हमारे साथ, पूरी फैमिली हम लोग गए थे और हम लोग बहुत ही मज़े किए, बहुत ही इंजॉय किए। दर्शन का पाकर दुर्गा जी का बहुत अच्छा लगा। चंदन का टीका लगाया। अच्छा, हम लोगों ने रात तक घूमा, पूरी रात रात। और हम लोग पंडाल से माता जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग पंडाल से बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करे, सब पूरी फैमिली फ़ोटो क्लिक हुआ। और ये देखिए बालाजी के साथ मेरी फ़ोटो भी हमने क्लिक करा था, सिस्टर ने क्लिक करा मेरा फ़ोटो तो। और फिर हम लोग आ गए पंडाल से बाहर और हम लोगों ने प्रणाम किया और पहुंच गए दूसरे लोकेशन पे, जो कि उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और सिंड्रेला रियोना तो बस झूले का वेट कर रहे थे कि झूला कब आ जाए, इसलिए भाई साहब ने मेरे झूले पर पहले लेकर के गए। उसके रास्ते में ये मुझे हेलीकॉप्टर दिखा, तो हम लोगों ने हेलीकॉप्टर दिखाया इनको, ये रैकेट दिखाया। और खड़ा होकर के ये लोग देखने लगे कि हाँ भाई हम लोग इस पे बैठेंगे, पर ये तो बैठने वाला था नहीं, ये तो लाइटिंग वाला था। जैसे ही हम लोग पहुँचे पंडाल पे, वैसे हम लोग को दिखाई ये दो बल्ब, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और बॉल के साथ ये हाथी, ये हाथी तो इतना सुंदर लग रहा था। और फिर हम लोग पहुँच गए थर्ड लोकेशन पे, जो कि ये इतना सुंदर हाथी का बना हुआ था, सुन पूरा सर ही बना हुआ था। और रियोना तो खड़ा होकर देखते रह गए। और हम लोग गए अंदर, माता जी के दर्शन किए, फ़ोटो क्लिक करा, आशीर्वाद लिया। और फिर हम लोग पहुँच गए अगले लोकेशन पे। और फिर तब तक हम लोग हम फोटो पीछे क्लिक कर रहे थे और ये लोग आगे निकल रहे थे। फिर हम दौड़ कर आए, अरे अरे भाई हमारे लिए भी रुको। और ये रहे भाई साहब, इतना रिस्पेक्ट, ओ माय गॉड इतना। और ये रहे अपनी गड्डी लिया और निकले हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे। और फिर रास्ते में हम लोग को ये टैंक दिखा, जो कि लाइट से पूरा सजा हुआ था। और फिर और भी बहुत सारे थे, तब तक गाड़ी इतनी सुई से आगे निकल गई। और हम थोड़ा सा रांची का लोकेशन भी दिखाएं कि हाँ आप लोग भी देखिए कि हमारे झारखंड में कैसे कैसे लोकेशन है, कैसे पंडाल बने हैं। और ये रहे ड्रैगन वाले, और अंदर का देखिए लोकेशन कितना सुंदर है सजावट इसका। तो इस ब्लॉग में इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।